हेलो दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी आपको कैसे करनी है ये सारी यहाँ पे बातें मैं बताऊंगा। और देखिए, प्रीवियस ईयर तैयारी के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। आप प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आया हुआ उसकी तैयारी कर लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपको आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी में वो सारा सेट यहाँ पे आपको लेके आऊँगा। तो शुरू से लास्ट तक आप चैनल पे बने रहें ताकि आप पूरे डिटेल्स, किस तरह के आपके जनरल नॉलेज पूछे जाते हैं, किस तरह के मैथ, रीजनिंग, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रीवियस ईयर मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो यदि जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं एनटीपीसी का वीडियो अपलोड करूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ये पूछे गए हैं, एनटीपीसी 2016 में जो को कराया गया था एग्ज़ाम, 28 मार्च 2016, शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट का ये प्रश्न है। ये 100 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि 100 क्वेश्चन कौन कौन से हैं यहाँ पे। देखिए, पहला इसमें प्रश्न इसमें दिया हुआ है आपका कि 100 मिलियन कितने के बराबर होता है। तो आपको ये जानना है कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है। तो 1 मिलियन बराबर यहाँ पे 10 लाख आपको होता है यहाँ पे, ठीक है, 10 लाख होता है 1 मिलियन बराबर। तो आपको 100 मिलियन बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 10 करोड़। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आप सारे क्वेश्चन देख लें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, और आगे भी यही सारे क्वेश्चन रिपीट भी किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम्ब होता है, यानी कि इसमें बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो आपके मैथ के क्वेश्चन हैं और ये डाटा वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी होते हैं, आपको ज़्यादा समय इस पर नहीं देना है, 30 सेकंड के अंदर इसको आपको कर लेना है क्वेश्चन को, 30 सेकंड से भी आप कम समय में कर लेंगे। देखिए इसको कैसे करना है, आपको पूरा पहले डाटा देखना है, यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही, ठीक है, तो किस अवधि में, यानी कि किस वर्ष में। तो 1 लाख से ज़्यादा किस अवधि में रही, तो आपको यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 दिया हुआ है, तो देखना है कि इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे किस अवधि में। तो आप देखेंगे कि आपको सबसे नीचे वाले में, यानी कि 11 और 15 वर्ष के अंतराल में, यहाँ पे पहले ही मॉडल में आपका 91,600 दिया हुआ है, दूसरे मॉडल में, तो ये तो 1 लाख से ज़्यादा हो गया, तो यही आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे चलिए देख लेते हैं, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है ये चीज़ हमें देखना है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है कौन इसमें गलत है, पूछ रहा है कि निश्चित रूप से गलत है, कौन सा इसमें गलत है। पहला ऑप्शन इसमें देखेंगे, लगता है कि कंपनी की मॉडल 2 में परेशानियां हैं। दोस्तों इसमें बात करेंगे, देखिए इसमें जो दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें, ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? लगता है कि कंपनी मॉडल A की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं है इसमें। चलिए देख लेते हैं आपका 5वां नंबर। 5वां नंबर भी इसमें देखिए 3 पूछे जाते हैं आपके डाटा से, जो भी क्वेश्चन आते हैं 3-3 करके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ये है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2011 और 15 की अवधि में मॉडल 1 और 2 की बिक्री की हिस्सेदारी का कितना अंतर है।
तो यहाँ से हम अंतर निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है कि मॉडल एक और मॉडल बी, जो मॉडल वन है इसमें मॉडल वन और टू के हिसाब से यहाँ से निकालना है आपको। दोस्तों यहाँ से आपको देखिए क्या करना है कि 2011-15 वाले जो ये हिस्सा है इसमें से इसको घटा देना है। घटाएंगे इसके बाद आपको जितना भी यहाँ पे आएगा, मान लीजिए कि आपका एक्स आ गया यहाँ पे, जितना घटाने के बाद आया ऊपर में, इसके बाद ये आपको इतना से डिवाइड करके 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका परसेंटेज में आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये नीचे वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 54 छात्र की एक कक्षा में, 54 छात्र का एक कक्षा है जिसमें से 24 छात्र दूध पीते हैं और 28 छात्र चाय पीते हैं, जिसमें से 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो मालूम करें कि कितने छात्र दूध एवं चाय दोनों पीते हैं। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन से इस तरह का क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो आपको यानी कि टोटल यानी कि यूनियन है यानी कि 54 छात्र हैं बराबर, ये आपको ऐड कर देना है, 24 और 28 आप ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 52 52 हो जाएंगे। और कितने छात्र कुछ नहीं पीते हैं यहाँ पे, यानी कि 8, तो माइनस इसमें 8 कर देंगे तो आपके इतने हो गए। अब माइनस जो निकालना है आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि जो दोनों में शामिल हो, तो आपको यहाँ पे एक्स मान लीजिए इसको माइनस एक्स, तो आप करेंगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्स बराबर 6, तो इसमें आपका 6 आंसर हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बस 1 घंटे में इतना किलोमीटर इतना दूरी तय करती है, तो आपका 2.3/4 घंटे दूरी तय करने में, घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो आपका ये सिंपल बहुत है, 1 घंटे में आपका 12.5 तय करती है, तो आपकी 2.3/4 तय करने में आपको इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि कितने किलोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कि कितना आपको कितना किलोमीटर यहाँ पे होगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वही आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि चिन्ह के सहित सेट का चयन करें, आपको इसमें कौन कौन से चिन्ह यहाँ पे लगाने हैं इसके हिसाब से आपका 26 आ जाएगा। तो आप इसमें से लगा के देख सकते हैं सारे, यहाँ से इसमें आंसर आपका डी होगा। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे प्लस आप लगा दीजिए, यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए, यहाँ पे आप माइनस, आप जानते ही होंगे कि पहले मल्टीप्लाई किया, एक ऑफ का चिन्ह जो होता है का उसको काटते हैं, उसके बाद भागा का, उसके बाद आपका मल्टी ऐड का जोड़ का, फिर घटाव का करते हैं, तो आप करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चिन्ह को आप इस्तेमाल करें। वैसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये हर साल आपका चेंज होते रहेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे आपका योंगचोंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें संबंध बताना है, चाय का वायलिन के साथ संबंध है, तो वही आपका प्लेक ट्रूम का किससे संबंध होगा, तो इसमें सी होगा, सितार का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, यानी कि एक घड़ी है आपको 1 घंटे में, यहाँ पे मान लीजिए 12 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो 1 घंटे में क्या होता है, वो तेज चलती है 5 मिनट, तो जैसे आपका
55, यहाँ पर 55 मिनट होगा, वैसे आपकी घड़ी में एक घंटा पूरा हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट तेज़ चलती है। तो बोल क्या रहा है कि यहाँ पे 12 बजे घड़ी जैसे स्टार्ट होती है, तो 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में वो कितना मिनट वास्तविक जो वो उसका होता है समय कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 घंटा तो ऐसे ही हो गया, 6 घंटा, और 5-5 मिनट तेज़ चलती है, तो 5-5 मिनट यानी कि 5×30, यानी कि इसमें से आपको घटा देना है, यानी कि जितना वास्तविक समय यहाँ दिया हुआ उसमें से आपको 30 मिनट घटा देना है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे यहाँ पे समय या इसका होगा, तो आंसर इसमें आपका 6 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका ये है कि 1 घंटा यानी कि 55 मिनट को ही 1 घंटा मानते हैं, क्योंकि 5 मिनट घड़ी तेज़ चलती है, ठीक है, यानी कि 1 बजने में 5 मिनट कम रहता है, तभी जो मिनट वाली सुई है वो आपको पूरे यहाँ पे 12 पे आ जाती है। तो इसमें से आपको 5 मिनट घटा देना है हर 1 घंटे पे, तो ये 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो 6 घंटा आपका 6 घंटा हो गया, उसमें से 30 घटा देना है जो वास्तविक के समय दिया हुआ है, इसमें से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं 12 नंबर। वह कौन सी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो इतना से भाग देने पर पूरी तरह वो विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 3 अंक की बड़ी संख्या आपकी 999 है, और यही 3 अंक की छोटी संख्या रहेगी तो आपको ये हो जाएगी, ठीक है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 999। और देखिए जो ये दिया हुआ है अंक, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका देखिए एलसीएम यहाँ पे 150 आ जाएगा, और 150 से इतना में डिवाइड जब करेंगे तो आपका यहाँ पे दिया हुआ यानी कि कितने में हो जाएगा, आपका यहाँ पे 99 आ जाएगा लास्ट में, यानी कि 900, 900 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी कि जो एलसीएम ये आया है आपका, ये 900 आपका यहाँ पे सबसे बड़ी जो संख्या है हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि जितना आप एलसीएम आपका आएगा उससे पूरी तरह विभाजित करने के लिए आपको इसमें से 99 अगर हट जाएगा तो 900 जो है 150 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 900 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को आपको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, इनकी बी इसमें हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ 14 नंबर। रमेश से दिनेश बड़ा है, दिनेश से सुमन छोटा है, इसमें सबसे छोटा कौन है। तो आपका यहाँ पे दिनेश सबसे बड़ा है, यानी कि दिनेश जो है आपका, दिनेश सबसे बड़ा है, इसके बाद रमेश हो जाएगा, और जो है दिनेश से छोटा आपका कौन है, बोमन, बोमन है दिनेश से छोटा। तो आप बता नहीं सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है, ऐसा तो बोला नहीं कि रमेश से भी छोटा बोमन है, तो इसमें आप बता नहीं सकते हैं कि कौन छोटा है, यानी कि डी इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सबसे छोटा है। 15 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 2015 में पुरुष का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता। तो आप यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, स्टेन वावरिका ने जीता था। तो यहाँ पे देखिए किस तरह के आपके खेल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये जो क्वेश्चन है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है मार्क्स के द्वारा, क्योंकि इसमें गलतियां कुछ हैं, ठीक है। तो भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसको मार्क्स के तौर पे यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन गलत होता है हिंदी में उसका आंसर आप इंग्लिश में पढ़ के देंगे, क्योंकि इंग्लिश का कि जो क्वेश्चन होते हैं उनका वैल्यू लिया जाता है,
तो इसमें आप बताएंगे, ऐसे मैं बता देता हूँ, लॉर्ड माउंट बेटन। चलिए नीचे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि घड़ी में 10 बजे हैं तो घड़ी द्वारा जो कोण बनती है कितने डिग्री का कोण बनेगी। ठीक है, घड़ी है यहाँ पे देखिए घड़ी है, ठीक है, 10 बजा हुआ है, ठीक है, 10 बजा हुआ, तो कितना कोण बनाएगी घड़ी। ठीक है, देखिए बताता हूँ कि ये जो कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, एक इसका फॉर्मूला होता है 11/2 m बराबर 30 h प्लस माइनस थीटा होता है। ठीक है, प्लस माइनस थीटा होता है, उस पर आप रखेंगे इसको 10 बजा हुआ, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 9:60 को भी 10 बोल सकते हैं, 10 बजा हुआ। तो इसमें रखने के लिए, फॉर्मूले में रखने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको, प्लस माइनस थीटा हो जाता है यहाँ पे। तो थीटा का मान हमें निकालना है, तो ये आपका ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 33 - 27 हो जाएगा, इसको 27 1 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा 60 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ यहाँ पे दिवस, यहाँ पे दिया हुआ दुर्घटना, किस ट्रेन दुर्घटना में कितने लोग मरे हैं, कब कब किस दिन को, ये दिया हुआ है। ये भी एक चार्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है 18 नंबर, ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुई है, तो सबसे ज़्यादा किस दिन को हुई है दुर्घटना, किस दिन सर्वाधिक दुर्घटना हुई है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे 220 दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका शुक्रवार, किसमें, शुक्रवार को सबसे ज़्यादा दुर्घटना हुई है। वैसे ही क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 19 में बोल रहा है कि सप्ताह के प्रतिदिन का औसत मृत्यु दर निकालें। प्रतिदिन के औसत मृत्यु दर निकालने के लिए आपको सबको जोड़ के जितना यहाँ पर दिन दिया हुआ सबसे डिवाइड कर देंगे, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, सबको ऐड कर लीजिए, जितने भी मृत्यु दर का दिया हुआ डेट उसको ऐड करके आपको जितने हैं उसको डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए बताते हैं, 1 2 3 4 5 7 7 है, यानी कि रविवार से शनिवार तक 7 हो गया, तो सबको ऐड कर दीजिए, जितने ये दिए हुए ऐड कर दीजिए, 7 से आपको डिवाइड कर देना है। अब ये प्रश्न देखिए पूछ रहा है 20 नंबर, 20 नंबर में दिया हुआ है कि जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन कम मृत्यु हुई उसके बीच का अंतर। तो आपको देखिए इसमें से जो सबसे कम वाला है इसको घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो होता है माइक्रो चिप आपका होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आयत का परिमाप यहाँ पे 24 दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो क्षेत्रफल निकल, तो देखिए परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यहाँ पे लंबाई लिख दीजिए, यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है, बराबर परिमाप। ठीक है, तो परिमाप आपका 24 दिया हुआ है, 2 × लंबाई कितना है, एल बोल रहे हैं, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो यहाँ पे लंबाई आपका 2x मान लीजिए और आपका चौड़ाई x मान लीजिए, बराबर 24 हो गया, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 6, यानी कि x = 4 आ जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल आपका एक दिया, लंबाई तो आ गया, चौड़ाई आ गया, लंबाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 × 4 = 32 आपका आंसर आ जाएगा निकालेंगे तो, क्योंकि लंबाई इतना आ गया, चौड़ाई आपका
एक्स इक्वल टू 4 आया हो तो 2x निकालना है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा एक। और क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर को 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेती है तो 2 वर्ष में के अंतर में वो कितना रुपया चुकाएगी, तो यहाँ पे आपका साधारण ब्याज से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से आप निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 24 नंबर, ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है आपका, तो यहाँ पे हीलियम हो जाएगा। ठीक है, हीलियम सबसे जो तत्व है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पता लगाएं कि इसमें कौन सा समूह में नहीं है, जैसे समूह में नहीं है, जैसे वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, ये एक ही समूह का है, आयत हो गया, आपका त्रिभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, वृत्त और वृत्त देखिए ऐसे बनता है, वर्ग आपका ऐसे बनता है, आयत ऐसे बनता है, त्रिभुज आपका ऐसे बनता है, और अष्टभुज आपको ऐसे आठ भुज आपको बनाना पड़ेगा, इसमें 8 भुज आप बनाएंगे तभी अष्टभुज बनेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे भिन्न आपको ये वृत्त हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका वृत्त में चला जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते 26 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे, ये सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। देखिए इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, PQR PQR STU, इसमें बोल रहा है कि P और R विवाहित हैं और जिनके लड़के हैं, P की लड़की S है और R का पुत्र Q है, लेकिन Q की माता R नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मूलतः देखिए क्या आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि कितने इसमें परिवार के जो सदस्य हैं 6, इसमें कितने पुरुष हैं। ठीक है, तो पुरुष आपके कितने हैं, तो इसमें आपका आंसर जो होगा आपके इसमें 4 पुरुष हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका इसमें दिया हुआ कि पी की लड़की एस है, तो एस तो आपकी लड़की हो गई, आर का पुत्र क्यू है, तो क्यू 1 हो गया, इसके बाद क्यू जो है क्यू की माता आर नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं, हमको पुरुष सदस्य चुनना है, आर का भाई टी है तो दूसरा हो गया, एस यू का भाई है, एस जो है यू का भाई है, तो एक एस भी हो गया, तो 3 तो हो गए आपके, और एक इसमें से जो विवाहित जोड़ा है उसमें से एक, तो 4 सदस्य जो है पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे रख रखाव के लिए आपका क्या है, तो जैसे बीमारी से बचने के लिए आपको टीकाकरण करनी पड़ती है, वैसे ही रख रखाव यानी कि रंग खराबी जो होती है रख रखाव और करेंगे तभी जाएगी, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि खराबी वाला ये हो जाएगा, इसमें आपका दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंक गणित एवं तार्किक यानी कि लॉजिक लॉजिकल संक्रियाएं करने के लिए करने वाले संसाधन यानी कि प्रोसेसर, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ALU हो जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। 30 नंबर देखिए, यहाँ पे साइन ए बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो साइन ए बराबर यहाँ पे क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे अगर साइन रखेंगे तो साइन ए के बराबर तो नहीं होगा कतई, क्योंकि कॉस यहाँ पर दिया हुआ है, टैन रखेंगे तो टैन बराबर होता है साइन ए बटा में कॉस ए हो जाएगा, इनटू कॉस ए दिया हुआ है पहले से, तो ये कट जाएगा, तो साइन ए बराबर साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका
बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 31 नंबर में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना बार तो दिया हुआ है, इतना बार आपको मान लेना है एक्स मान लीजिए, ठीक है। दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है आपको। जैसे देखिए इतना आ गया और इतना बराबर एक्स है, तो इसको इसको मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो आपका कट कूट के 1 आ जाएगा, उसके बाद आपका ये आ जाएगा x/3, यानी कि x/3 आ जाएगा। इसको इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतना बराबर आपने एक्स माना है। मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे 50 व्यक्तियों को एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथ से लिखते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूनियन इंटरसेक्शन से इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो 52 ऐसे लोग हैं जो कार्यालय में आपके हैं और 18 लोग दाएं हाथ से और 26 लोग बाएं हाथ से, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 44 हो जाएगा, ठीक है। और कितने लोग हैं जो दोनों से आपका करते हैं, तो 2 लोग हैं, इसमें से आपको, तो इसमें आपका आंसर देखिए यहाँ पे 50 हो गए। 50 में से इन दोनों को आप क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड करना है, इसमें से घटा देंगे आप 44, तो कितने हो जाएंगे, इसमें आपको घटाएंगे तो 6 हो जाएंगे। और आपको दोनों जो कार्य करते हैं वो कितने हैं, 2 हैं, और प्लस इसमें 2 हो जाएंगे, तो कितने हो गए आपके, 8 हो गए। यानी कि जो 8 लोग ऐसे हैं जो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे 8 लोग हो जाएंगे जो लिख नहीं सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, जो इसमें दिया हुआ है कि आपके, देखिए यहाँ पे खरीदता इतने में है, कोई वस्तु एक घड़ी है खरीदता इतने में है, यानी कि 3,850 रुपये में खरीदता है और वस्तु पे इतना लिखा अंकित मूल्य दिया हुआ है इसका, यानी कि 4,750 रुपये वस्तु पे लिखा हुआ है और 12% की छूट देता है, तो उसे कितने लाभ होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको जैसे दिया हुआ है कि 4,750 रुपये अंकित किया हुआ है, तो 12% उस पर छूट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आपका इस पे हो जाएगा 750, यानी कि आपको माइनस कर देंगे, इतने में माइनस कर दिए 4,750 में से 750 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4,180, ठीक है। तो 4,180 में, 4,180 में से आपको घटा देना है कितना, 3, यानी कि 3,850 रुपये में क्या करते हैं, वस्तु को खरीदता है, तो अभी इस पर आपको 3,033, यानी कि 300, इस पर आपका 330 आ जाएगा, ठीक है। इस पर आपका 330 आ जाएगा, तो 330 इसमें देख लीजिए, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। और देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, देखिए यहाँ पे 1200 छात्र हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा प्रश्न आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा, तो इसमें यही बताना है कि कितने जो ऐसे छात्र हैं आपके कार द्वारा विद्यालय आते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी इसमें दिया हुआ है। देखिए कार द्वारा, तो कार द्वारा जो आते हैं उनका यहाँ पे दिया हुआ है, कार द्वारा जो आते हैं
यहाँ पे 150 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है कि पूरा जो सर्किल होता है 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री में आपके 1200 छात्र आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 150 डिग्री में निकालना है, तो आप निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 500 छात्र कार द्वारा आते हैं, यहाँ पे 500 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 किलोमीटर जो चलता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो औसत चाल निकालिए। तो इसमें आपको पहले निकालना, देखिए क्या निकलता है, निकाला जाता है। इसमें निकालने के लिए आपको चाल बराबर दूरी बटा समय आप जानते हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है इसको निकालने के लिए औसत एवरेज आपका जो निकालेंगे, पूरा औसत दूरी चाल सॉरी औसत चाल जो निकालेंगे और टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, यानी कि एवरेज चाल औसत चाल जो होता है आप निकालते हैं एवरेज, तो उसमें औसत चाल निकालते हैं टोटल दूरी, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 12 हो जाएगा, अब बटे में आपका होता है टोटल टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, यानी कि समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 8 बटा 15 प्लस 4 बटे 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 16.36, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। देखिए दो रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक परिवार में एक्स एवं वाई बहनें हैं, इनकी दो बहन हैं एक्स एंड वाई, एक की माता वाई है, एक ये लड़की है, एक्स एंड वाई दो क्या हैं बहनें हैं, जो बोल रहा है कि एक्स की सॉरी ये जो है वाई की लड़की है, ये जो है वाई की लड़की है और ये का पुत्र सी है, एक का लड़का है जो है सी है, एक्स का पुत्र बी है, यानी कि एक्स का भी लड़का है बी सॉरी बी, तो इनमें से कौन सा दिया हुआ सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, बी एवं ए चचेरे भाई है, ठीक है, ये और ये चचेरे भाई हो जाएंगे क्योंकि ये दो बहनें हैं, ठीक है। इसके हिसाब से आप बी ऑप्शन चेक करते हैं, तो ए एवं बी सॉरी एक्स एंड वाई का पुत्र ए है, एक्स एंड वाई का पुत्र ए है, यदि एक का बोलता कि वाई का पुत्र ए है तो सही होता, दोनों का पुत्र ए नहीं है क्योंकि दोनों ये बहनें हैं। और सी देखिए, बी का पिता एक्स है, बी का पिता एक्स तो हो नहीं सकता, बी का पिता एक्स नहीं है क्योंकि बताया नहीं गया है, ऐसा बोला गया कि दो ये बहनें हैं तो पिता नहीं हो सकता। और डी इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, सी की दादी दादी माँ एक्स है, सी की जो दादी माँ एक्स है ऐसा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 37 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्र के पास बिल्ली है, 10 छात्र के पास कुत्ते हैं, 5 छात्र के पास तोते हैं और 4 छात्रों के पास बिल्ली एवं तोते दोनों हैं, और आपके 1 छात्र के पास कुत्ता और तोता दोनों हैं, और 3 छात्र के पास तोता आपके बिल्ली दोनों हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न करने के लिए आपको भी आपको यूनियन इंटरसेक्शन क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखिए आपको ये दिया हुआ है, यानी कि यूनियन दिया हुआ है 26 बराबर, इसको आप जोड़ेंगे ऐड करेंगे, इसको 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 आप ऐड कर लेंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे आप 10 प्लस 5, यानी कि 15 29 हो जाएंगे, 29 इसमें से आप माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, अभी आपको माइनस नहीं करना है, यहाँ पर 26 ये हो जाएगा 29 माइनस आपके 4 दोनों जो हैं उसको माइनस कर देना है, यानी कि 4 यहाँ पे है एक यहाँ पे है एक ये, तो 4 में 7 1 8, इसमें 60 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा
21 हो जाएगा, ठीक है। अब 21 को इसमें से आप माइनस करेंगे तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आपके यहाँ पे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, यानी कि 38 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एथेनॉल, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल आपका गन्ना से प्राप्त किया जाता है, एक से। यहाँ पे 39 नंबर देख लीजिए, दिया हुआ कि चार प्रेक्षणों का आपका माध्यम दिया हुआ, माध्य सॉरी चार का दिया हुआ माध्य 17.5 दिया हुआ है, एक नए आने के बाद क्या हो जाएगा, का इसका माध्य क्या हो जाएगा। यानी कि एक नए, देखिए 17 का तो जैसे आपका चार का निकालेंगे तो चार का तो पहले से दिया हुआ है, 17.5 गुणे चार कर देंगे, ठीक है। अब प्लस कितने एक और आ जाते हैं तो उसके कितने हैं, 20 हैं। बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं, चार का तो पहले से इतना दिया हुआ है, एक आ गया नया तो कितना हो गया, 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, 40 नंबर दिया हुआ है कि 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे ठिगनो, यानी कि सबसे छोटा है, 8वें स्थान पे है। यहाँ से सैमुअल 8वें स्थान पे है, ठीक है। 26 छात्रों के 26 छात्र हैं टोटल कक्षे में, वो 8वें स्थान पे है शुरू से, तो बोल रहा है कि उसकी स्थिति क्या है, यानी कि यहाँ से लेकर 8वें स्थान पे है, तो आपको 26 छात्र में यहाँ पे काउंट करेंगे तो 26 में आप 8 नहीं घटाएंगे, 7 घटाएंगे, क्योंकि आपको 8वें स्थान से भी काउंट आगे करना है, तो आप यहाँ से घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो 20, यहाँ पे 29 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 19, 19 आपका आंसर आ जाएगा। जितना बोलता है वहीं से लेके काउंट भी करते हैं, तो आपको जैसे यहाँ पे 8वां बोल रहा है तो आपको 7 से 7 तक ही लिया जाता है इसमें। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 41, गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, सभी जानते हैं। यहाँ पे 42 नंबर देखिए, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में आपको कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो जो खेल होता है उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि या एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और एक पोल को पार करती है, वो खंभे को पार करती है, सॉरी सॉरी उसकी लंबाई दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर लंबाई दी हुई है गाड़ी की, और एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करती है, समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो लंबाई तो दी हुई रेलगाड़ी की, उसके बाद पूछ रही है समय, यानी कि टाइम, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो चाल कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको पर आवर को आपको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ से 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे मल्टीप्लाई आप कर देंगे, ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि 18 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8×5=40 हो जाता है, तो ये कट जाएगा, तो आपका 18 आंसर आ जाएगा, 18 सेकंड। यहाँ पे देख लीजिए 44, विटामिन ए से कौन सा रोग आपको इसमें काम आता है, विटामिन ए की कमी से क्या होती है, सॉरी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे आपको रतौंधी हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, यूके में है, ये याद कर लीजिए आप। यहाँ पे 47 थे, पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाला हॉकी खिलाड़ी, जो पहला हॉकी खिलाड़ी था वो था बलबीर सिंह सीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर दिया हो, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है, अपने स्थान पर स्थित रहता है, वो आपको फलकम है यहाँ पे। यहाँ पे 49 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक आपका
हो जाएगा विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो आपके जीबी मावलंकर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो आपको नेक्स्ट सेट 2 में मिलते हैं और 50 क्वेश्चन के साथ।